भारत में सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला एक्सप्रेस प्रदेश बन रहा है उत्तर प्रदेश। प्रदेश की सड़कों पर गाड़ियां ही नहीं अपितु लड़ाकू विमान भी दौड़ते हैं, तथा प्रदेश की सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई अब और भी बढ़ने वाली है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में हुए सभी नवीन परिवर्तन व वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश का करने वाला है कायाकल्प। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक तथा उत्तर प्रदेश की अति प्रतीक्षित परियोजना प्रवेश नियंत्रित मार्ग गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर कार्य ने गति पकड़ ली है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है। गंगा एक्सप्रेसवे का पहला चरण मेरठ जिले के बिजौली गाँव को प्रयागराज जिले के जूदापुर डांडू गाँव से जोड़ेगा। इस मार्ग को 6 लेन में बनाया जाएगा, तथा इस प्रकार से बनाया जाएगा कि इसे आवश्यकता पड़ने पर 8 लेन तक बढ़ाया जा सके। परियोजना के पहले चरण की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे मार्ग पहले चरण के अंतर्गत जिन जिलों से होकर के गुजरेगा उनके नाम हैं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। जानकारी के लिए बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे की परिकल्पना वर्ष 2007 में की गई थी, हालांकि इस परियोजना ने वर्ष 2019 में कार्य आरंभ किया। गंगा एक्सप्रेसवे के विकास की समय सीमा आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे की नोडल एजेंसी है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात यूपीडा, एवं गंगा एक्सप्रेसवे के पहले चरण के निर्माण को 12 अलग-अलग पैकेजों में विभाजित किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की 12 से अधिक जिलों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह पूर्वी यूपी को राज्य के पश्चिमी भाग से जोड़ने वाला एक प्रमुख कॉरिडोर होगा। राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी नोड्स को जोड़ने से पूरे कॉरिडोर का ढांचागत एवं आर्थिक विकास होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों को अंतिम मील तक की कनेक्टिविटी प्रदान करना है। गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के पहले चरण की कुल लागत लगभग 37,350 करोड़ रुपए है। इसमें 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की भूमि अधिग्रहण लागत भी सम्मिलित है। गंगा एक्सप्रेसवे की विशेषताएं एवं लाभ की जानकारी हेतु बता दें कि संपूर्ण गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP के DBFOT मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। DBFOT अर्थात मॉडल विकास, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण है, जो आधारभूत संरचना परियोजना के विकास के लिए विश्व भर में अपनाया गया एक बहुत ही प्रभावी मॉडल है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे में मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा होंगे, एवं मुख्य टोल प्लाजा के अतिरिक्त 12 और रैंप टोल प्लाजा होंगे, एवं गंगा एक्सप्रेसवे को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए शाहजहांपुर के पास 3.5 किलोमीटर लंबा एक हवाई पट्टी भी बनाया जाना है, जहां से आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उड़ान भर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर लोगों की सुविधा के लिए इस एक्सप्रेसवे पर 9 जन सुविधा केंद्र, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 14 दीर्घ सेतु, 126 लघु सेतु और 381 अंडरपास बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकासी के लिए 17 स्थानों पर इंटरचेंज सुविधा भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त परियोजना के आसपास के गांवों में निवासियों की सुविधा के लिए सर्विस रोड भी बनाया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का दायित्व अडानी समूह और IRB इंफ्रा को दिया गया है। इस प्रक्रिया में कुल 3 कंपनियों ने बोली लगाई थी, जिसमें कि पहले चरण में मेरठ से अमरोहा तक का कार्य IRB को मिला है, एवं अमरोहा से लेकर के प्रयागराज तक 3 चरणों का कार्य अडानी समूह करेगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात यूपीडा ने पूरे प्रोजेक्ट को 12 पैकेजों और 4 ग्रुप में बांटा है, तथा इसका निर्माण 4 चरणों में होगा, जो है मेरठ से अमरोहा 129 किलोमीटर, बदायूं से हरदोई 181 किलोमीटर, हरदोई से उन्नाव 155 किलोमीटर, उन्नाव से प्रयागराज 156 किलोमीटर।
गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को निर्बाध कनेक्टिविटी लिंक भी प्रदान करेगा। वर्तमान परिस्थिति की जानकारी हेतु बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आधिकारिक रूप से 93% से अधिक भूमि 11 अप्रैल तक अधिग्रहित की जा चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण आरंभ हो चुका है। बीते रविवार को कार्यदायी संस्था अडानी ग्रुप के अधिकारियों ने बरेली मथुरा हाईवे के पास बीनावर में भूमि पूजन के पश्चात मशीनों के माध्यम से भूमि के समतलीकरण का कार्य आरंभ करा दिया है। जिले में दूसरे चरण में एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य दातागंज में आरंभ होगा। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जिले में भूमि अधिग्रहण का कार्य फरवरी वर्ष 2020 में आरंभ हुआ था तथा वर्तमान समय में भूमि अधिग्रहण का कार्य यहां पर 95% से अधिक पूरा हो चुका है। विधानसभा चुनाव के पश्चात ही तय हो गया था कि एक्सप्रेसवे का निर्माण शीघ्र आरंभ हो जाएगा। इसी क्रम में शनिवार से ही अडानी ग्रुप के अधिकारियों की टीम का मशीनों के साथ बदायूं पहुंचना आरंभ हो गया। रविवार को भूमि पूजन के पश्चात एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य चालू करा दिया गया है। बिनावर के पश्चात अब दातागंज तहसील में एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य आरंभ करा दिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे उपयुक्त स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर भी बनाए जाएंगे, जिसमें से एक बुलंदशहर में प्रस्तावित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा एक्सप्रेसवे से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और यूपी के किसानों द्वारा किए गए उत्पादन को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर का भी विकास होगा। यह खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारण गृह, मंडी और दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना की मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे दोनों नगरों के मध्य की दूरी ही कम नहीं करेगा, अपितु सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। शाहजहांपुर के जलालाबाद पर सेना का नया बेस बनेगा, जहां से आपात स्थिति में नेपाल व चीन की सीमा तक पहुंचना सरल हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ही तरह गंगा एक्सप्रेसवे की इस हवाई पट्टी पर भी विमान उतारे जा सकेंगे। यदि इस एक्सप्रेसवे पर यातायात की गति की जानकारी दें तो वह होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके अनुसार इसे डिजाइन किया गया है, अर्थात 120 की गति से इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ सकेंगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे इस गंगा एक्सप्रेसवे को वाराणसी से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात यूपीडा के अधिकारियों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात DPR बनाने का निर्देश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दिया है। विभाग का कार्यभार संभालते ही उन्होंने अगले 100 दिन के लिए एजेंडा भी तय कर उसे समय पर पूरा करने के लिए कहा है। यही नहीं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से बढ़ाते हुए वाराणसी तक जोड़ने के लिए प्रस्ताव और DPR बनाने के निर्देश अफसरों को दे दिए गए हैं एवं यह कार्य गंगा एक्सप्रेसवे के द्वितीय चरण में होगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के मध्य की दूरी को कम करेगा। इसके माध्यम से 11 घंटे से अधिक की यात्रा अब मात्र 8 घंटे में ही पूरी की जा सकेगी। गंगा एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि को बढ़ावा मिलने की आशा है। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। एक बार पूरी तरह से बन जाने के पश्चात गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, जो राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ेगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई गंगा एक्सप्रेसवे की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो अपने गांव अथवा जिले का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।